हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। हर बार की तरह आज भी हम किसी नए टॉपिक के बारे में जानेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि चार्जिंग स्टेशन के बारे में। बहुत लोगों के पास इलेक्ट्रिक बाइक्स होती है, कार्स होती है, लेकिन उनके पास चार्जिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसलिए आज हम देखेंगे कि एथर का चार्जिंग स्टेशन कैसे वर्क होता है। कोल्हापुर में मैं अभी चार्जिंग स्टेशन देखने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे रंका के अपोजिट में चार्जिंग स्टेशन आप देख सकते हैं, एथर का है। यहाँ राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको रंका देखने के लिए मिल जाएगा। और इसी रास्ते पे जहाँ पे पतोड़ी खन है, वह उस रास्ते पर हमें चार्जिंग स्टेशन देखने के लिए मिलेगा। तो चलो हम देखेंगे कि एक्चुअली ये चार्जिंग स्टेशन कैसे वर्क होता है और इसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊँगा। लेफ्ट साइड में आपको चार्जिंग स्टेशन देखने के लिए मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं एथर का चार्जिंग स्टेशन है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा। अगर लोकेशन की बात करें तो ये 21 ब्रिस्टो है। यहाँ पे इसके बाहर ही गेट के पास हमें ये चार्जिंग स्टेशन देखने के लिए मिल जाएगा। ये स्पेशली एथर ग्रिड, मतलब एथर कंपनी ने फिट किया हुआ है। और ये मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये बेंगलुरु मैन्युफैक्चरिंग है। यहाँ पे हम फास्ट चार्जिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल फास्ट चार्जर, मतलब ये फास्ट चार्जर की फैसिलिटी देता है। ये इसमें हम फ्री में एथर की बाइक हो या फिर किसी भी बाइक हो या फिर इलेक्ट्रिक कार हो, वो भी हम फ्री में इसमें चार्ज कर सकते हैं। राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक चार्जर मिल जाएगा, जो इससे हम एथर की बाइक आराम से चार्ज कर सकते हैं। अगर एथर की बाइक छोड़ के हमें और किसी बाइक का, मतलब अगर ओला हो, TVS के IQ हो या फिर इलेक्ट्रिक कार हो, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ लेफ्ट साइड में हमें एक बारकोड दिया है, वो हमें पहले स्कैन करना पड़ता है। इसके लिए हमें एथर ग्रिड का ऐप लेना पड़ता है। जब हम ऐप ओपन करते हैं और ये बारकोड स्कैन करते हैं तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगी और जो हमारा चार्जर है वो हमें इसमें लगा के हमारी बाइक आराम से चार्ज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्पेशली डिज़ाइन इन बेंगलुरु, मतलब ये बेंगलुरु का प्रोडक्शन है। और ये बाहर जो आप लाइट देख सकते हैं, इससे आप आराम से इसे दूर से पहचान सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कस्टमर केयर का नंबर मिल जाएगा। और इन केस अगर चार्जिंग करते समय आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया, मतलब आपको इमरजेंसी स्टॉप करना है, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे इमरजेंसी स्टॉप का ऑप्शन भी दिया है। यहाँ से आप इमरजेंसी स्टॉप करके चार्जिंग रोक सकते हैं। और इस यहाँ पे हमें फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है। एथर की बाइक हम यहाँ पे फास्ट चार्ज कर सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक बाइक की बात करें तो TVS iQube हो या फिर ओला हो या फिर कार हो, तो वो यहाँ से हम चार्ज कर सकते हैं। लेकिन जब हम ऐप ओपन करते हैं तो इसमें हमें 2-3 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि हम इसमें टाइम सेट कर सकते हैं और कितने हमें किलोवाट की चार्जिंग करनी है, वो भी हम ऐप की मदद से हम इसमें सेट कर सकते हैं। इस तरह से ये वर्क होता है। इस वीडियो से कुछ नया सीखने के लिए मिल गया तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और उन लोगों से के साथ शेयर करो जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करते हैं, क्योंकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि वो बाइक तो बाहर लेकर जाते हैं लेकिन चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलता। इसलिए उन लोगों के साथ शेयर करो कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करते हैं, इससे उनकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। तो लोग एथर की बाइक यूज़ करते उनको भी ये शेयर करो, मतलब जब किसी को प्रॉब्लम हो जाएगी कि बाहर गए लेकिन चार्जिंग का प्रॉब्लम है, तो ये तभी आपको आराम से ये चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा। अगर लोकेशन की बात करूँगा तो मैं यहाँ पे आप अपोजिट में रंका देख सकते हैं। और ये यहाँ से जो रोड आया है वो इस रोड में, यहाँ पे राइट साइड में पतोड़ी खन है और लेफ्ट साइड में ये 21 बिस्टो के बाहर में हमें एथर का चार्जिंग स्टेशन देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।